नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के वीडियो का पार्ट 12 लेकर आ गया हूँ। तो यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई बटन होगा, उस पर आप प्रेस करके मेरे पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरियों में सीता पीवी धातु का प्रयोग किया जाता है, प्लम्बम। और साथ ही मैं बता दूँ कि संचायक बैटरियों में H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो फ्रेंड, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जिसका संकेत TH होता है। और साथ में आपको बता दूं कि थोरियम के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है, और भारत में केरल केरल राज्य में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन किया जाता है। और थोरियम का जो अयस्क निष्कर्षण किया जाता है, मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है, और सबसे ज़्यादा विश्व में थोरियम उत्पादन करने वाला देश भारत है, और भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन होता है, और थोरियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है। तो ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जब श्वसन लेते हैं तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं, और इसका प्रतिशत होता है एटमॉस्फेयर में 21%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रसायनों का सम्राट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, रसायनों का राजा, जिसका अणुसूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट है, हीलियम के खोजकर्ता हैं। तो हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर। नेक्स्ट देखिए, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो फ्रेंड्स, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं, न धन आवेश न ऋण आवेश, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और हीलियम एक होता है फ्रेंड्स, अक्रिय गैस होता है, जिसके खोजकर्ता लोकेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स, यहाँ दे रहा है हाइड्रोजन से हल्की होती है, यह गलत दे रहा है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की नहीं होती। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व स्वयं ही है, सबसे हल्का गैस होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ कारण यह होता है कि हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, और हीलियम ज्वलनशील नहीं होता है, अक्रिय गैस है। यही कारण है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस को भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है। और साथ ही मैं बता दूं कि हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायर में भरने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेट्रोल मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो पैराफिन मोम। और नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और इस एस्टिक अम्ल का अणुसूत्र होता है फ्रेंड्स CH3COOH, और सिरका में भी एस्टिक अम्ल ही पाया जाता है। और सिर्फ यदि टमाटर में कहता हो तो फ्रेंड्स, सिर्फ टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिर्फ टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और ऐसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में ही ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट है कैल्शियम, सॉरी मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः पनी होती है। तो पथरी जो होता है जो मानव की किडनी अर्थात गुर्दे में बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का होता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी, कैल्शियम ऑक्सीलेट। नेक्स्ट देखिए रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो रबर उद्योग में बहुलता से एनिलिन का प्रयोग किया जाता है, एनिलिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीवीसी का तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, और इस पीवीसी का प्रयोग किया जाता है तारों के कवरिंग करने में। फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक वायर जो होता है उस पर परत चढ़ा होता है, तो पीवीसी का ही वह परत होता है। पीवीसी अचालक होता है, तो पीवीसी का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर के कवरिंग करने में। नेक्स्ट देखिए रेनकोट बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स रेनकोट पॉली कार्बोनेट्स का बना होता है, पॉली कार्बोनेट्स का। नेक्स्ट देखिए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो फ्रेंड्स यहाँ गलती दे रहा है, रेयॉन नहीं था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था, नायलॉन। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आप लोग नायलॉन कर लीजिएगा, रेयॉन नहीं। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो फ्रेंड्स नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल एडिपिक अम्ल है। नेक्स्ट देखिए नोबेल का तेल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नोबेल का तेल। नेक्स्ट देखिए छारो द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। तो छारो द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है, सोपनीफिकेशन। छारो द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं, जंतु विज्ञान के जनक। और जो है वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए प्रश्न वही है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं तो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं, कोर्टिकोलस। और नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। और नेक्स्ट है जल द्वारा परागण कहलाता है तो हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स होता है फ्रेंड जल, जहाँ भी आप लोग हाइड्रो देखें वहाँ उसका मीनिंग होता है जल, हाइड्रो मीन्स जल। तो जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जड़ों से, जड़ों से चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कॉफ़ी पाउडर के साथ जिसे मिलाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, खाद्य पदार्थ सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन। नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल, इसका
ग्लाइकोलिसिस को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं का अंतिम उत्पाद होता है पाइरूविक अम्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड 2,4-D है, तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है। नेक्स्ट देखिए पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है तो फफूंदी। फफूंदी जिसे कवक भी बोला जाता है, तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी कवक। नेक्स्ट देख लीजिए चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण। नेक्स्ट है फ्रेंड नींबू का कैंकर रोग होता है, तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट देखिए अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, तो फ्रेंड्स अग्नि निर्जा रोग सेबों में होता है, सेब फल में होता है। पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसको। तो पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण। हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है, तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है। और नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है CO2, जिसका वायुमंडल में प्रतिशत है 0.03%। तो कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। और साथ में मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि वनस्पति शास्त्र का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, और चिकित्सा शास्त्र के हिपोक्रेटस। नेक्स्ट देख लीजिए जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स जल में अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ फ्रेंड्स Na2CO3 होगा, तो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसके द्वारा जल में दोनों तरह की कठोरता दूर की जाती है, अस्थायी और अस्थायी दोनों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है, तो लौह चुंबकीय तत्व का, लौह चुंबकीय तत्व का। नेक्स्ट देख लीजिए अचार को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिरका का, सिरका का प्रयोग किया जाता है अचार को खराब होने से बचाने के लिए, जिसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका केमिकल फार्मूला होता है। तो कास्टिक सोडा NaOH, और एक होता है फ्रेंड्स कास्टिक पोटास, जिसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास। नेक्स्ट देख लीजिए दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बेंजीन, जिसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव कहा जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, जिसमें बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हीरा के कठोरता का क्या कारण है, तो फ्रेंड्स चतुष्फलकीय संरचना, हीरा में चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, जिसके कारण उसमें कठोरता पाया जाता है।
नेक्स्ट देख लीजिए, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो यूरिया में। यूरिया में फ्रेंड्स 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, और इस यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है NH2CO NH2। और फ्रेंड्स साथ ही मैं बता दूं, हमारे शरीर में भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया एक जहरीला पदार्थ होता है जिसका हमारे यकृत में फॉर्मेशन होता है, यकृत अर्थात लीवर में, और किडनी द्वारा इससे बाहर कर दिया जाता है रक्त से। तो यूरिया, सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, यूरिया में। नेक्स्ट है फ्रेंड, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु को मिलाया जाता है, और साथ ही साथ चांदी धातु को भी मिलाया जाता है। यहाँ नहीं दिया हुआ है, परंतु आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, वह बहुत ही मुलायम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा तथा चांदी को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोलतार किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आंशिक आसवन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तैल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, हमारे जो भोजन के साथ साथ यदि जीवाणु चले जाते हैं तो उस जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है फ्रेंड, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, तो ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु धातु है फ्रेंड्स HG, पारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, DDT का पूरा नाम क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इस DDT का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो DDT का पूरा नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित रखा जाता है, तो फ्रेंड्स सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सोडियम जो होता है बहुत ही एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसको मिट्टी तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, तो बेरियम के कारण होता है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग। और साथ ही मैं बता दूंगा, इस बेरियम का जो अयस्क होता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है बेरियम का बेराइट अयस्क से, बेराइट BaSO4। बेरियम का संकेत होता है Ba, और इस बेराइट से ही बेरियम का निष्कर्षण किया जाता है BaSO4 से। और साथ ही मैं बता दूं, आतिशबाजी के दौरान लाल रंग होता है अस्ट्रोंसियम के कारण, और हरा रंग तो दिया ही हुआ है बेरियम के कारण। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था, तो यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ था, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सबसे उत्तम कोयला है, तो फ्रेंड्स सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथ ही मैं बता दूं कि पिट जो कोयला का किस्म होता है, बहुत ही घटिया किस्म का कोयला होता है, बहुत ही खराब किस्म का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो सबसे उत्तम किस्म की कोयला हो गया एंथ्रासाइट। नेक्स्ट देखिए,
नॉन स्टिक बर्तनों का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो नॉन स्टिक न चिपकने वाले बर्तनों का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। और फ्रेंड्स, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला पूछ लिया जाता है तो CaOCl2 इसका होता है केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, 6.022 × 10³³ होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, दशमलव के बाद उतना चलता है। तो 6.022 × 10³। नेक्स्ट देख लीजिए, दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है, अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडों का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। नेक्स्ट है, रबड़ को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है। तो रबड़ को मजबूती प्रदान करने हेतु इसमें सल्फर मिलाया जाता है, और रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है फ्रेंड्स, वल्कनीकरण, और या इसको सल्फोनीकरण भी बोला जाता है, तो वल्कनीकरण या सल्फोनीकरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? तो इथाइल ग्लाइकोल। तो फ्रेंड्स, ठंडे प्रदेशों में रेडिएटर में जो पानी होता है उसको जमने से बचाने हेतु इथाइल ग्लाइकोल को मिलाया जाता है, ताकि जो इंजन को ठंडा करने वाला रेडिएटर होता है उसका पानी जम ना पाए। तो इथाइल ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इथाइल ग्लाइकोल। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताएं? तो सोडियम थायो सल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन सोडियम थायो सल्फेट। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन में 0.001 mm, 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन में। और नेक्स्ट था लास्ट, देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया? तो केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार रोंटजेन नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था। इस रोंटजेन नामक विज्ञानी ने एक्सरे किरण का खोज किया था फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार रोंटजेन नामक वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखा है, जो सभी कंपिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि वीडियो में कहीं त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।